हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ओके। वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गो अहेड विद दीक्षा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम। क्लास 6 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स। सो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे हम उन नंबर्स के एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इसे निकालना सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 16 एंड 18 का, हमने एलसीएम निकाला हुआ है डिविजन मेथड से। ठीक है, तीनों ही मेथड्स को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं पहले एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ देयर मल्टीपल्स। इसमें हम क्या निकालते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं उन नंबर्स के। ठीक है, तो उन मल्टीपल्स के जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उन नंबर्स में जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर आपके को प्राइम है, को प्राइम मीन्स अगर उन दोनों का एलसीएम वन आता है। सपोज आपके टू और थ्री है, तो टू और थ्री क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का ही एलसीएम क्या होता है, वन होता है। तो अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। सिक्स इज एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री। ठीक है, तीन मेथड को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन तीनों मेथड से एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इसमें सीखेंगे। फर्स्ट इज कॉमन मल्टीपल मेथड, सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड इज कॉमन डिवीजन मेथड। तीनों को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 8, 12 एंड 18 के, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो तीनों के ही हम क्या निकालेंगे, पहले मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल है मल्टीपल, अगर हमें किसी भी नंबर का निकालना होता है तो हम उसकी क्या करेंगे, टेबल लिख देंगे। मल्टीपल मीन्स उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1, 2, 3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स किसी भी नंबर के होते हैं, क्योंकि आप उसे 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, देन 100, देन 1000, किसी भी नंबर से करेंगे वो सारे क्या होंगे, उस नंबर के मल्टीपल होंगे। सो फर्स्ट 8 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स निकालेंगे, तो मींस आपको क्या करना है, 8 की टेबल लिख देनी है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 64, 8 9 72, 8 10 18, 8 11 82, and so on, आगे को इसके बहुत सारे हमें मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, 12 के हम को मल्टीपल्स देखेंगे, 18 के निकालेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमारे जो कॉमन मल्टीपल आए, पहले हम उन्हें लिख लेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या आए हमारे, देखिए तीनों के, 8, 12 एंड 18 के। देखिए इन तीनों में सबसे जो 72 तीनों में आ रहा है, देखिए 72, 72 एंड 72। ठीक है, इससे आगे को और भी आते रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स हैं तो आगे को और भी कॉमन आते रहेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए हमारा आंसर वो आ गया, क्योंकि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। सो इनकी जो सबसे फर्स्ट में कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 12 एंड 18 इज 72 है। तो यही क्या है, हमारा आंसर है, यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल लेके उनके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ उनके मल्टीपल्स लिखेंगे और उनमें सबसे लोएस्ट, सबसे फर्स्ट जो कॉमन आ जाएगा तीनों में, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। आगे को तो और भी कॉमन नंबर आते रहेंगे, लेकिन जो लोएस्ट सबसे फर्स्ट जो आएगा वही एलसीएम होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड को डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से उसे देख सकते हैं। इसमें हम 19, 100 एंड 150 का हमने एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम तीनों के ही पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, डिविजन मेथड से हम इसे करेंगे। ठीक है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 5 जा 10, देन अगेन 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 90 के क्या आ गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। 100 के लिए निकालेंगे, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, डिवाइड करते रहेंगे हम जब तक कि हमें लास्ट में ये 1 नहीं मिल जाता। 150 के लिए चेक करेंगे,
टू सेवन जा 14, टू फाइव जा 9, 10 टू से नहीं जाएगा, देन 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 टू जा 6, 3 फाइव जा 15, 5 फाइव जा 25, 5 वन जा 5। तो तीनों को ही हमने प्राइम फैक्टर्स निकाली, तीनों को ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 19 के प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन्हें हम पावर में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम आया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। 100 के देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ऐसे ही 150 के लिए भी लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आएगा, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या होगा इन तीनों नंबर का, इसके जो फैक्टर्स आए उनकी हाईएस्ट पावर्स को हम लेंगे। ठीक है, इसमें 2 3 5 हमारे तीन कॉमन तीन प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इसके फैक्टर्स में, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इनकी जो हाईएस्ट पावर है उसे हम लेंगे। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो यही हमारा क्या है एलसीएम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ देयर हाईएस्ट पावर, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4, 3 थ्री जा 9, 5 का स्क्वायर 5, 5 जा 25, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 फोर जा 100, 100 मल्टीप्लाई 9, 900 इज द एलसीएम ऑफ 90, 100 एंड 150। ठीक है, सो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, सिंपल है, तीनों के फैक्टर्स निकालने हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उनकी क्या करेंगे हाईएस्ट पावर जो होगी उनका प्रोडक्ट निकालेंगे उन सारे फैक्टर्स की। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है सीनियर क्लासेस में, या आगे को अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसी मेथड से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम एक रो में तीनों को एक साथ डिवाइड करेंगे, कॉमा लगा के तीनों को सेपरेट करेंगे, और हम तीनों को एक साथ हम क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, टाइम बहुत कम लगता है इसमें, तो हम ज्यादातर हम इसे ही यूज करेंगे। अगर आपका एलसीएम निकालने को आता है सिर्फ, तो हम इसे ही यूज करते हैं। देखिए 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। प्राइम नंबर्स से हम स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट से 2 से 3 से ऐसे करके। ठीक, देन अगेन ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी एक नंबर हमारा उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि तीनों ही नंबर इस 2 से डिवाइड होंगे, अगर एक भी हो रहा है तो भी हम उससे डिवाइड करेंगे, बाकी को हम ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। ठीक, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 जा 16। अब देखिए 2 से ये तो नहीं होगा 9, बट 12 और 18 हो रहे हैं, तो फिर से हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, और जो नंबर नहीं होगा उसे आप वैसे ही उतार लेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब देखिए दोनों में 9 आ गई है, 2 से नहीं होगा, बट 6 2 के टेबल में जाता है, तो फिर से हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे और इन्हें हम ऐसे लिख लेंगे, 2 3 जा 6, 2 9, 9 हमारा ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से हो रहे हैं डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तब तक करेंगे जब तक कि हमें लास्ट में नीचे सब 1 नहीं मिल जाते, 3 1 जा 3, 1 1। ठीक है, देखिए लास्ट में 1 मिल गया, और तो इन सब का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 72 इज इन सब का प्रोडक्ट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम 2 है, देन 2 टाइम 3 है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल मेथड है, तीनों को ही हम एक साथ इसमें हम डिवीजन मेथड से डिवाइड करते जाएंगे, और अगर आप कंपेयर करें मल्टीपल मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम उसमें तीनों को नंबर के अलग अलग निकाल के फिर उसके हमें एलसीएम हम निकालते हैं, बट इसमें हम तीनों को एक साथ लेके चल के एलसीएम निकाल देते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, आप हम इसी का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस कीजिए, आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to press the bell icon so that you will get regular notification of my upcoming videos. Thank you so much. Bye bye.